नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है जी हाँ साथियों झारखंड सरकार भर्ती 2020 जी हां राज्य में जल्द होगी अमीन की नियुक्ति तो एक अपडेट निकल कर आई हुई है साथियों पेपर कटिंग के माध्यम से तो इस वीडियो हम आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आखिर अमीन की नियुक्ति कब आएगी तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक हर रोज मिल जाया करेगी तो चलिए मैं आप लोगों को पेपर कटिंग के ऊपर लिए चलता हूँ तो जानने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक अवश्य कर दे तो आप सभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जी हाँ ये जो खबर निकल कर आई हुई है प्रभात खबर रांची का ये पेपर है और ये आज का पेपर है 16 मार्च 2020 जी हाँ आप सभी देख पा रहे होंगे तो चलिए कमी रांची के आसपास के अंचल में भी ज़्यादातर संविंदा वाले अमीन कामकाज संभाल रहे हैं जी हाँ राज गठन के बाद से अमीन की नियुक्ति नहीं जी हाँ तो आप सभी को पेपर में ध्यान रख सकते हैं राज गठन के बाद अमीन की नियुक्ति नहीं हुई है तो चलिए मैं पेपर को पढ़ता हूँ इस सुवादाता रांची राज गठन के बाद से लेकर अब तक राज्य में अमीन की नियुक्ति नहीं हुई जी हाँ इस कारण राज्य में अमीन की कमी हो गई है राजधानी रांची के आसपास के अंचलों में भी ज़्यादातर सविंदा वाले अमीन कामकाज संभाल रहे हैं कुछ ही जगहों पर अस्थाई अमीन नियुक्त हैं अमीन की नियुक्ति नहीं होने पर पूरे राज्य में ज़मीन की मापी में दिक्कत हो रही है जमीन विवाद के मामले तत्काल मापी कराने में भी, भी परेशानी आ रही है जी हाँ राज्य गठन के बाद अभी भी इनका नियुक्ति नहीं हुई है और ज़्यादातर जो है वो संविधा पर काम चला रहे हैं वर्क लोड के कारण कामकाज हो रहा है प्रवाहित जी हाँ अंचल कार्यालयों के कर्मियों का कहना है कि अमीन पर वर्क लोड अधिक होता है समान तौर पर एक अंचल में एक अस्थाई अमीन है और अस्थाई समीन है कहीं कहीं अमीन दो दो अंचल काम का संभार है ऐसे में अमीनों पर लोड बढ़ गया है ज़मीन की मापी के लिए रेयत को ऑनलाइन फीस जमा करनी पड़ती है रेयत फीस जमा करके अमीन का समय लेने के लिए परेशान रहते हैं ज़्यादा काम होने के कारण कई बार तय मापी तिथि में फेरबदल करनी पड़ती है इससे कार्य प्रभावित हो रहा है जी हाँ तो झारखंड राज्य में अमीन की नियुक्ति जल्द आने वाली है और इनका क्वालिफिकेशन जो है वह इंटर पास रहने वाली है जिनमें आप लोगों का मैथ अनिवार्य है ठीक है पचास परसेंट के साथ ये दोस्तों पहले का था योग्यता तो मैं उन्हीं के अनुसार आप लोगों को बता दिया ठीक है अगर नई वैकेंसी आएगी तो क्वालिफिकेशन में चेंज हो सकती है तो आप सभी देख पा रहे हो निजी तौर पर रख लिया है अमीन कर्मियों का कहना है कि कई अंचलों में अस्थायी अमीनों का काम के बोझ को देखते हुए अपने स्तरों की निजी अमीन को काम पर रख लिया हुआ अपने साथ दूसरे अमीन को अपना असिस्टेंट बना रखे हुए हैं उनके माध्यम से काम करा रहे हैं यह अमीनों की पूरी तरह निजी व्यवस्था है तो आप सभी देख पा रहे होंगे संविंदा पर पंद्रह साल से कर रहे हैं काम हाई कोर्ट भी गए थे जी हाँ पंद्रह साल से संविंदा पे काम कर रहे हैं रांची में इस तरह की व्यवस्था तो आप सभी रांची जिले का पूरी प्रखंड का ब्यौरा दिया गया है कौन अस्थाई है जी हाँ असुविधा पे कर्मी पे भी उनका नाम दिया गया है तो साथियों यही एक अपडेट थी और मैं बता देना चाहता हूँ कि राज्य में बहुत सारी भर्ती आने वाली है तो आप सभी अपनी तैयारी पे लगे रहे आप लोगों को समय नहीं दिया जाएगा और आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहे हमारी क्लास झारखंड जी के ग्यारह सेट हो चुकी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज्वाइन कीजिए और कुछ दिनों में भारत के भी समान ज्ञान कराई जाएगी जो आने वाले जेस सी के हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है तो दोस्तों आप सभी कमर कसल जल्द बहाली आने वाली है बहुत सारी बहाली आएगी कक्षपाल वनरक्षी झारखंड पुलिस एक्साइज सब इंस्पेक्टर तो इन सभी पदों पर भर्ती आने वाली है तो आप सभी तैयार हैं और अमीन कलर की भी नियुक्ति होने वाली है तो एक पेपर का कटिंग अपडेट आया था तो मैं सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ तो यही एक अपडेट थी आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक हर रोज मिल जाया करेगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो साथियों मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम